पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या भी ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हर मनुष्य चाहता है कि उसे धन और अन्न की प्राप्ति हो, वो ऐश्वर्यवान रहे, जो केवल सोचने मात्र से नहीं मिलता। इसके लिए उसे खूब सारी मेहनत और आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो धन की देवी महालक्ष्मी है, जिनकी कृपा से हमें वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धन और ऐश्वर्य के लिए हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती और धन के भंडारे भरे रहते हैं। शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार धन की देवी को प्रसन्न करने के कई उपाय हैं। आइए जानते हैं कुछ उपाय। नंबर एक, सोने से पहले अगर रात को कपूर जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नंबर दो, शुक्रवार के दिन गाय के घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जिससे घर में ऐश्वर्य और धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। नंबर तीन, भगवती लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए जिससे माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और दरिद्रता का नाश होगा। नंबर चार, धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल अर्पित करना चाहिए और केसर चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर पाँच, जिन घरों में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, इसलिए सदैव बुजुर्गों का और महिलाओं का सम्मान करें। नंबर छह, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जिनकी पूजा गोधूली वेला के समय या मध्य रात्रि को करना शुभ माना जाता है। तो धन की देवी महालक्ष्मी सबकी आराध्य होती हैं, जिनकी पूजा करते समय हमें लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, इससे बहुत शुभ होगा, माँ लक्ष्मी खुश हो जाएगी और माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना भी बहुत आवश्यक है। घर को साफ सुथरा रखना और गौ माता की सेवा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, घर में धन धान्य और ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए माँ के लिए ये उपाय करें, फिर देखिए आपके घर में धन की कैसे बाढ़ आती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।